एक गरुड़ और कौवे की कहानी। एक ऊंचे पहाड़ के शिखर पर रहता था एक गरुड़, और वहीं दूसरी तरफ पहाड़ के नीचे एक पेड़ था जिसमें रहता था एक कौवा। पहाड़ के आसपास के गांव के लोग अक्सर अपने जानवर जैसे भेड़, बकरियां, गाय और गधे को चराने इस जगह आते थे, जिसमें ज्यादातर भेड़ें गरुड़ का शिकार बन जाया करती थी। कौवा अक्सर ये दृश्य देखा करता था। हर बार जब गरुड़ एक भेड़ को देखता तो वो तेजी से अपने ऊंचे शिखर से उतर आता और भेड़ को अपने पंजों में उठाकर ले जाता। उसके बाद वो किसी ऊंचे से स्थल पर जाकर आराम से बैठ के अपने शिकार का स्वाद लेता। कौवे को यह दृश्य देखकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने फैसला किया कि अब वो भी गरुड़ की तरह शिकार करेगा। अगले दिन जब उसने नए भेड़ों को देखा तो नए उत्साह के साथ उसने उड़ान भरी और बहुत तेजी से उसने नीचे की ओर छलांग लगाई। पर क्योंकि उसके पास गरुड़ जितनी शारीरिक शक्ति और अनुभव नहीं था, इसीलिए वो नन्ही भेड़ों की जगह एक बड़े चट्टान से जा टकराया और इस क्रैश लैंडिंग में उसका सर फट गया। शरीर की आधी से ज्यादा हड्डियां चोट सहित टूट गई, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। तो जनता, आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट में बताइए। इस कहानी में छुपा एक गहरा संदेश है। हमने प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता बिगाड़ दिया है और अब हमें उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी काबिलियत और सीमाओं को समझकर प्रकृति की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि किसी की नकल करके अपनी बर्बादी की ओर बढ़ना चाहिए। प्रकृति की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है।